लेपट है, मार लेपट। गाड़ी के पास भी गुर्रा रहा है गाइस, लेपट है लेपट, मार लेपट चल रहा है गाड़ी के बाहर। हीरो गाइस देखो, हीरो लेपट देखिए गाइस, हीरो लेपट। हो लेपट बिल्कुल इधर से, सामने से इधर से गुजर के गया। यहाँ से इधर अपने समोसे बन चुके हैं और एक समोसा बचा है लास्ट का, वो इधर है। गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक समोसा बनेंगे, तब तक इसको बेलता हूँ। गाइस लेपट कॉल है, लेपट कॉल। ये सुनिए लेपट घूर रहा है गाइस पीछे की तरफ ना। आलू डाल दिए, यहाँ पर पानी लगाएंगे इसको, यहाँ से ऐसे करेंगे, समोसे तैयार। ये देखिए, मुझे लगता है लेपट इस खरगोश के चक्कर में ही आया होगा, क्योंकि लेपट यहीं पे घूर रहा है, क्योंकि ये खरगोश के पीछे भागता हुआ आ सकता है। ये देखिए सामने खरगोश बैठा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। मैं कैंपिंग करने के लिए लोकेशन के लिए निकल चुका हूँ, अभी रास्ते में हूँ और बाहर अंधेरा हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है। बस चलते हैं अपना लोकेशन और उसके बाद आप लोगों को सीधा वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और अपने को झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जिस लोकेशन पर आज मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ दिन में ही लेपट देखा गया है, लेकिन फिलहाल गाड़ी चलाते हैं क्योंकि रात के टाइम है। बात आपसे सीधा लोकेशन पर पहुँच के करूँगा। फ्रेंड्स लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और अपनी गाड़ी लगा दी है। आज जो अपनी कैंपिंग होने वाली है वो इसी लोकेशन पर होने वाली है और मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए इधर अपनी कार खड़ी है और ये लोकेशन है। देखिए ये यहां पे पेड़ खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं और बाकी पूरा ओपन एरिया है। यहाँ कैंपिंग करने का रीज़न ये है गाइस कि ये जो लोकेशन है यहाँ दिन में ही लेपट देखा गया, और आज नहीं, यहाँ डेली इस एरिया में लेपट को लोग देख रहे हैं दिन में ही घूमते हुए। रात को तो छोड़िए, क्योंकि रात को यहाँ कोई आता नहीं है आसपास, काफ़ी दूर है यहाँ से गांव भी, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास तो जंगल है पूरा। लेपट का आतंक इतना ज़्यादा है यहाँ पे, लोकेशन इतनी ख़तरनाक है कि यहाँ लेपट दिखने के 101% चांस है। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ, बस अभी अंधेरा ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा उजाला भी आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। अब अपना आराम से कुकिंग करता हूँ और कुकिंग में आज एक स्पेशल चीज़ बनने वाली है, वो आप देखना क्या बनने वाली है। और अपनी टॉर्च वॉर्च सारा सेटअप निकाल लेता हूँ, क्योंकि लाइट मार के देखना सबसे पहला काम है, क्योंकि ये जो पेड़ है ना इस पे भी लेपट बैठा हुआ हो सकता है, क्योंकि अपने को खतरा बहुत ज़्यादा है इस लोकेशन पे। तो आसपास सारे में देख लेता हूँ। फ्रेंड्स अपना किचन का सारा सेट हो जमा लिया है और आप लोगों को बता दूँ आज मैं बनाने वाला हूँ समोसे। आज अपनी कैंपिंग में बनने वाले हैं समोसे, तो समोसे की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आलू को मैं बॉयल होने के लिए रख देता हूँ, तब तक अपना आराम से बाकी सारे काम करेंगे। जो बाकी के काम है वेजिटेबल काटना, जो प्याज व्याज काटूंगा वो, लेकिन उससे पहले अपना आलू को बॉईल होने के लिए रखते हैं। इससे आवाज़ आ रही है गाइस बहुत भयंकर करके गांव की तरफ से ना। इसमें डाल देता हूँ आलू बॉईल करने के लिए। आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, अब अपना मैं तब तक प्याज काटता हूँ जिसमें मैं आलू को फ्राई करूँगा समोसे की पिट्ठी के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार आसपास एरिया देख लेता हूँ और बार बार, क्योंकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे, आधा घंटा हो गया मैं सारा सेटअप जमा रहा था और फिर भी देखने के लिए गया। तो चलिए एक बार देख आते हैं, तब तक अपना आलू बॉईल हो जाएंगे। इनको थोड़ा फ्लेम को हाई कर देता हूँ। तो इधर देखना है अपने को, क्योंकि लोकेशन जो है ना वो इधर की तरफ से ही गाइस ख़तरनाक है, इधर की साइड से ना ये सारा जो इलाका है। ये पेड़ देखिए, लोगों ने इसी पेड़ के आसपास बताया था मुझे कि वहाँ पे कोई ऐसा पेड़ है उस पर बैठा था लेपट। बाकी देखिए सामने चंदा मामा भी निकल चुके हैं, चांदनी रात है और देखिए पेड़ों पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं सारे में, ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं गाइस। इस लोकेशन पर लेपट 101% कैप्चर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे यहाँ अगर आज कैप्चर नहीं होता ना तो चाहे मुझे दोबारा आना पड़े, लेकिन उम्मीद है, लोगों ने कहा कि 101% कैप्चर होगा, उसी उम्मीद के साथ आया हूँ। आप भी जानते हैं कि जहाँ एडवेंचर नहीं होता वहाँ हम कैंपिंग नहीं करते, क्योंकि मुझे जो हमेशा एडवेंचर की कैंपिंग करना ही पसंद है। बाकी जो लोग
नॉर्मल कैंपिंग देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए कुकिंग है। कुकिंग में भी अल्टीमेट चीज़ें बनती हैं। बस लोकेशन गाइज एक बार और अच्छे से मैं सारे में जाके आसपास अब इधर की साइड भी देख लेता हूँ। जब तक आलू बॉयल होते हैं मैदा लगा लेता हूँ फटाफट, क्योंकि मैदा को भी अपने को रखना पड़ेगा 10-15 मिनट के लिए ना फूलने के लिए। बाकी इसमें मैंने जो डाल दिए है अजवाइन डाल दिए और नमक डाल दिया, सॉल्ट और ऑयल, और फिर बाकी का पानी। गाइज मैदा अपनी लग चुकी है, मैदा को इधर रख देता हूँ इसको ढक के। और देखिए अपने आलू भी भयंकर करके बॉईल हो चुके हैं, इसको फ्लेम को कर देता हूँ बंद। इसमें ठंडा पानी डाल देता हूँ ताकि आलू ठंडे हो जाएं। लेपर्ड भी कैप्चर करना है आप लोगों के लिए, आपको लेपर्ड भी दिखाना है। बाकी देखिए मैं न्यूज़ भी चला रहा हूँ, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि लेपर्ड ने यहाँ हमला किया है आज। इतने ज़्यादा लेपर्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा, और जो किया है ना वो भी एक आर्मी वाले पे किया है, एक सर्विस मैन पे। उसको पीछे से आके वो बैठा था, बैठे हुए आदमी पर जल्दी हमला करता है वो क्योंकि उसे लगता है छोटा, लेकिन उन्होंने जो है उसको मार दिया। मतलब गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई एक तरीके से, और वे आदमी उस पर हावी हो गए और उन्होंने उसको मार दिया, अकेले आदमी ने लेपर्ड को मार दिया। आप पूरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़ चल रही है। बाकी आप न्यूज़ चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं बिजनौर लेपर्ड अटैक टुडे, आपको डेली लेपर्ड की न्यूज़ मिलेगी। आलू ठंडे हो गए हैं, इनको इधर निकाल लेता हूँ फिर इनको छीलूँगा। समोसे मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ अपनी कैंपिंग में, आज तक मैंने समोसे बनाए नहीं थे। ये तो हाथों से ही छिल जाएंगे, इसमें अपने को ज़रूरत नहीं है चाकू की। बॉईल होने के बाद ये देखिए आलू कितने मस्त बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए इसमें रख लेते हैं आलू को। और अब आपको नई से नई डिश मिलेगी अपने पास कैंपिंग में देखने के लिए ना, यूनिक से यूनिक चीज़ें। ये देखिए इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम समोसे का आलू को ना, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। आलू अपने फूट चुके हैं, अब मुझे आलू जो है ये इसमें करने पड़ेंगे ताकि मैं इसमें फ्राई कर सकूं। इसको इस पर रखते हैं फ्राई पैन को, इसको अपना इधर रखते हैं। इस प्याज और काट लेता हूँ, प्याज कट जाएगी उसके बाद अपना करेंगे इन सारी चीज़ों को फ्राई। समोसे में आप प्याज डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, वो आपके ऊपर है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे समोसे के अंदर। वैसे ज़्यादा वेजिटेबल डलती नहीं है समोसे के अंदर। अब चलाते हैं गैस को, अब इसके अंदर डालता हूँ ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, जीरा और देखिए साबुत धनिया, यानी कि साबुत धनिया फुल। ओह देख रहे हो कितने भयंकर करके हाथों पे छीट आ रही है। ऑयल गर्म था, ये अपने हो चुके हैं। अब इसके अंदर फटाफट इस प्याज डाल लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये लीजिए इसके अंदर जाएगा आलू। ये गए आलू कचालू, ये गए आलू कचालू। ये देखिए गाइस आलू कितने मस्त होके भुने हैं ना अपने। ये देखिए सारे मसाले ऐड कर लिए मैंने इसके अंदर ना, कितने मस्त देखिए पिट्ठी बनी है, पूरे बाजार के स्टाइल जैसी है जैसे मार्केट में आप खाते हो। जीरा धनिया साबुत धनिया सारे मसाले ऐड किए हैं, बस ये तो अपना रेडी हो ही चुका है। आलू अपने फ्राई हो चुके हैं पिट्ठी समोसों की, इसे रख देता हूँ ठंडा होने के लिए।
और इधर देखता हूँ अपना आटा, देखिए यानी कि मैदा भी फूल चुकी है। इसको मैदा को बस अब समोसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये भी ठंडा हो ही लिया लगभग, देखिए ठंडा मौसम है, थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और बाहर हवा में है तो है खुले में। अब बनाते हैं गाइस अपने लिए समोसे। उसके लिए पिट्ठी को पहले इसको बेल लेते हैं। किस किस को समोसे खाने पसंद है जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि आज अल्टीमेट समोसे बनने वाले हैं आपके भाई की कैंपिंग में। जल्दी से कोई नहीं बनाता, आपको मेरी कैंपिंग में अल्टीमेट से अल्टीमेट डिशें मिलेगी सारी खाने के लिए। और जिसको भी खाना है वो तुरंत आ सकता है, कोई मनाही नहीं है, तुरंत आ जाओ। ये लीजिए गाइस ये हो चुके हैं। अब इसको हम बीच में से इस तरीके से कतर देंगे ये। अब हम इसको ऐसे उठाएंगे समोसे को, देखते रहिए, और यहाँ पे ऐसे पानी लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे कर देंगे। और उसके बाद उठाएंगे यहाँ से आलू, ये आलू उठाए, ये गए आलू अपने समोसे के अंदर, ठीक है गाइस। और फिर हम पानी लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ये सारा पानी ये, और यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे करके, और ये देखिए समोसा रेडी हो चुका है बनके। छोटे छोटे समोसे बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगा। इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, यहाँ पानी लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आलू लेंगे, इसके अंदर आलू को डालेंगे, फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर पानी लगाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और ये अपना समोसे तैयार। ये देखिए, और ये लोई ले ली है मैंने सारी इसकी, और इसको इधर रखते हैं। और मैं जो है ना इसको गाइस इधर रख लेता हूँ, और तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा देता हूँ और इसमें ऑयल चढ़ा देता हूँ, क्योंकि समोसे बनने में टाइम काफ़ी लगता है। करीबन करीबन जितने मैं समोसे बनाऊंगा 7-8 समोसे, तो ये 1 घंटा खा जाएंगे, 1 घंटे के आसपास, केवल तेल में फ्राई होने के लिए, क्योंकि स्लो आंच पे इसको हमें फ्राई करना होता है। बाकी कढ़ाई रख दी है, तब तक मैं इसको बेलता हूँ और ऑयल हो जाएगा। ये जो समोसे बन रहे हैं इनको हाथों हाथ बनाता रहूँगा। और इसमें डालते हैं गाइस अब ऑयल, क्योंकि ये भी गर्म ही हो चुका होगा। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक समोसे बनेंगे, तब तक इसको बेलता हूँ। गाइस लेपर खोले, लेपर खोले, ये सुनिए लेपर गुर्रा रहा है गाइस पीछे की तरफ ना, लेपर गुर्रा रहा है, इधर ही है, इधर ही गाइस, इधर ही। कितनी भयंकर करके आवाज आई, जादू नहीं है, पास नहीं है, ये पीछे पेड़ है ना, ये नहीं हो सकता है। गाइस लेपर कॉल है, लेपर से गुर्राने की आवाज आई बिल्कुल पीछे से ही। कैमरा उतारता हूँ गाइस, इधर की तरफ से ही है लेपर्ड के घुराने की आवाज़, यही से आई है लेपर्ड की आवाज़, यही से, ये बस कैप्चर हो जाए गाइस, दिख जाए। ये जो झाड़ियाँ दिख रही है ना आपको सामने, इन्हीं झाड़ियों में लेपर्ड के घुराने की आवाज़ है, इन्हीं से ही, बहुत भयंकर करके आवाज़ है गाइस। अपने को पेड़ पे भी देखना पड़ेगा कभी पेड़ पे बैठा हो। गाइस चलते हैं अपना लाइट के पास में, लेपर्ड पक्का कैप्चर होगा। सोच रहा हूँ डिनर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, पहले लेपर्ड को ही कैप्चर करूँ, क्योंकि जितनी भयंकर करके गुर्राने की आवाज़ आई है ना, मेल लेपर्ड है, क्योंकि मेल लेपर्ड ही गुर्राता है इतने भयंकर करके। अब अपने को चौकस बैठना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चौकस। बाकी देखिए अपने इधर 2 समोसे बन गए थे, बाकी इधर ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ से आ रही है गाइस पीछे से, इन झाड़ियों से लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ यहाँ से।
उधर की तरफ से। अब अपने को बहुत ज्यादा चौकस बैठना पड़ा। हो गाइस देखिए, ये घूर रहा है यहाँ से। गाइस लेपर्ड ने मुझे देख लिया है। फटाफट आग जलाने का सिस्टम भी नहीं है। देखिए ये जो पक्षी है ना, जंगली पक्षी, ये तभी बोलता है जब कोई जानवर होता है। गाइस मैं कितनी हिम्मत करके आप लोगों के लिए लेपर्ड कैप्चर करने के लिए रिस्क ले रहा हूँ, कितनी दूर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इधर से ही गुरानी की आवाज़ आ रही है, दो बार आई है, बहुत भयंकर करके आवाज़ आई है। बस गाइस कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। फिलहाल मैं अपना गाड़ी के पास में खड़ा होकर सिचुएशन को देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। फ्रेंड्स काफ़ी देर हो गई है, करीबन आधा पौन घंटा हो गया मैं गाड़ी के पास में था, फिर गाड़ी में ही बैठा, क्योंकि लेपर्ड जितनी भयंकर तरीके से घुराया था ना, तो हमले के ही उसका चार्ज करने वाला यानी कि आक्रामक रूप ही था जो वो घुरा रहा था, तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गया था। लेकिन बहुत देर से कोई आवाज़ आई नहीं। अब अपना जल्दी से बनाता हूँ अपना कुकिंग, बाकी ऑयल भी गर्म हो चुका है, और समोसे बनाने स्टार्ट करता हूँ, और जल्दी से अपना समोसे खा के और गाड़ी में कैप्चर होने, क्योंकि वो आएगा, क्योंकि लाइट चल रही है ना, तो दूर से देख रहा है और घुरा रहा है वहाँ बैठ के, क्योंकि लाइट बंद होती है वो निकलेगा, और मैं भी पूरा अंधेरा करके अपना गाड़ी में बैठ जाऊंगा। बाकी आप क्या, मुझे गाड़ी इधर की तरफ फेस करना पड़ेगा गाड़ी का, क्योंकि लेपर्ड इधर से ही आएगा, और पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है, जो टटीरी बोलते हैं ना, वो हमेशा जंगली जानवरों पर रात में वही पक्षी होता है जो जानवरों के ऊपर बोलता हुआ उड़ता है, तो ख़तरा बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं गाइस, रिस्क तो है लेकिन मैं चौकन्ना हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा चौकन्ना बैठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी अपने समोसे बनाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, और आलू जाएंगे इसके अंदर, समोसे के अंदर ये गए आलू, और फिर गए पानी। बाकी गांव की तरफ भी ना शोर शराबे की बहुत भयंकर करके आवाज़ आ रही है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ना, उन लोगों ने भी देखा है। और ये देखिए ये गए अपने इसमें समोसे, एक समोसा इधर से गया। इनको पलटते रहना भी ज़रूरी है, तभी अच्छे से बन पाएंगे। इनको स्लो आंच करके ना लो फ्लेम पर छोड़ देता हूँ, तब तक अपना सारे समोसे रेडी करता हूँ। ये बन रहा है गाइस अपने समोसे, ये देखिए कितने मस्त समोसे बन रहे हैं, बस इनको पलटता रहता हूँ। ये देखिए ये खरगोश है शायद, ये देखिए ये बैठा, मुझे लगता है लेपर्ड इस खरगोश के चक्कर में ही आया होगा, क्योंकि लेपर्ड यहीं पे घुरा रहा है, क्योंकि ये खरगोश के पीछे भागता हुआ आ सकता है। ये देखिए सामने खरगोश बैठा है और लेपर्ड इसके पीछे ही है, खरगोश के पीछे गैड़ गैड़ की आवाज़, और देखिए लोमड़ी की आवाज़ भी आ रही है जंगल से ना, लोमड़ी की। ये देखिए खरगोश अब भी गाइस यहीं बैठा है, ये छुपा हुआ बैठा है, क्योंकि लेपर्ड इधर की तरफ ही घुरा रहा है। मैं अपना कुकिंग करता हूँ, क्योंकि अपने को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अपने देखिए समोसे ऑलमोस्ट इधर रेडी हो गए हैं, और दो ये रहे, बाकी तीन समोसे उतारने से रहे हैं, इनको उतारते ही और सीधा अपना कार में जाके वॉच करेंगे। और इधर की साइड से ना लोमड़ी की आवाज़ भी आ रही है, जंगल में गिद्दड़ों की ना, उनकी आवाज़ें भी आ रही है। गाइस लोमड़ी की आवाज़ आ रही है गिद्दड़ की बार बार, ये देखिए ये लोमड़ी गिद्दड़ नहीं, क्योंकि कुत्ते की तरफ से भौंक रहा है ना, जिस तरीके से कुत्ता होता है, क्योंकि कुत्ता तो जंगल में आएगा नहीं, रात को यहाँ जंगल में कुत्ता आएगा तो जान से जाएगा। बाकी अपने समोसे रेडी हो चुके हैं, और लेपर्ड जो है ना, ये खरगोश भी उससे छुप के बैठा है, क्योंकि लेपर्ड शिकार के लिए निकलता है हफ्ते में एक बार, और ये आसपास सारे जानवर जो है ना, जिधर से लेपर्ड आता है तो जानवर दूसरी तरफ भागते हुए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स इधर अपने समोसे बन चुके हैं, और इधर है चटनी, और एक समोसा बचा है लास्ट का, वो इधर है। बस अब अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। गाइस समोसा अल्टीमेट बनाया, जबरदस्त, खतरा बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं लेपर्ड बिल्कुल पास में ही है, गुरानी की आवाज़ आ चुकी है, और जानवर भी इधर की साइड ही भाग के आ रहे हैं, तो लेपर्ड पीछे से ही आ रहा है, तेंदुआ ना, गुलदार, तेंदुआ, लेपर्ड। मैं अपना डिनर फिनिश करता हूँ गाइस जल्दी से।
और अभी मेरी कोल्ड ड्रिंक रह गई है, कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंड्स डिनर अपना हो चुका है, अब सीधा गाड़ी में चलता हूँ, सामान गाड़ी के अंदर रख दिया है। और एक बार लोकेशन को देख लेता हूँ आसपास ना मैं। गाइस गाड़ी जो है ना अपनी, मैं गाड़ी यहाँ पे लगाऊंगा इस जगह ना, क्योंकि अपन इधर गाड़ी लगाएंगे अभी, बिल्कुल इधर गाड़ी लगेगी तो लेपर्ड को देखने का पूरा चांस है इन घासों में, क्योंकि वो छुप के ही आएगा। तो मैं गाड़ी को थोड़ा इधर लगाता हूँ जो लेपर्ड को अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। अगर ये यहाँ पे एक रोड सी है, ये रास्ता सा है पीछे ना, ये यहाँ पे रास्ता है तो शायद लेपर्ड इधर से गुजरे, तो मैं गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करता हूँ इन घासों के पास में। तो मैं इस गाड़ी को लगाता हूँ उधर की तरफ घासों की साइड में, इधर गाड़ी लगेगी इन घासों में, तभी लेपर्ड इधर की साइड से आएगा। गाड़ी लगा दी है और अपना आराम से मैं लेटा हूँ, सीट को अच्छे से एडजस्टेबल कर लूँगा और इधर की सीट को भी आराम से, सोलो कैंपिंग है, आराम से सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की खोल ली है आगे की, इधर की भी और इधर की भी खिड़की खोल ली है, क्योंकि मैं लेटूंगा इधर तो इधर की बंद रखा है शीशा, क्योंकि फेस है, कोई भी जानवर अगर अटैक करेगा तो फेस पे ना करे। बाकी मैंने इधर की साइड में ये देखिए ये जाली लगा दी है यहाँ पे। और गाइस आपको बता दूँ लेपर्ड कैप्चर होने के चांस हैं, क्योंकि लेपर्ड पीछे ही घुरा रहा है तो वो आएगा। मैं गाड़ी की अंदर जो लाइट जला रखी है इनको बंद कर देता हूँ और आराम से लेटता हूँ और लेपर्ड के आने का इंतजार करता हूँ। लेपर्ड के कैप्चर होने के चांस हैं, क्योंकि वो पक्का निकलेगा, क्योंकि अभी तो उसके मैं दिख रहा था जब तक लाइट जल रही थी, वो बैठा हुआ घुर्रा रहा था। और शिकार के चक्कर में भी है, जानवर भाग के आ रहे थे उधर से, खरगोश और गिद्धड़, बहुत लोमड़ी पूरा, बहुत भयंकर आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि लेपर्ड आसपास ही है, तो बस लाइट बंद करता हूँ और आराम से लेट। फ्रेंड्स समय हो चुका है रात का, ही एक बज चुका है और नींद आ रही है बहुत भयंकर। लेपर्ड अभी तक तो आया नहीं है और आंखें बंद हो जा रही है खुद पे खुद ना, लेटे लेटे आंखें बंद हो रही है। काफ़ी देर से फ़ोन भी चला रहा था, लेकिन फिर फ़ोन भी पूरी ब्राइटनेस कम कर रखी थी, लेकिन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लेपर्ड के आने के वो है, अगर लाइट वाइट दिख जाएगी तो लेपर्ड आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही शातिर जानवर है वो, हल्की सी हरकत पे ही एकदम पहचान लेता है कि आसपास कोई है, सरसराहट भी ना एक हल्की सी। तो इसलिए मैं अब आराम से और देखता हूँ, जब तक आँख खुल रही है खुल रही है, नहीं तो फिर अपना आराम से सो जाऊंगा। गाइस लेपर्ड है बाहर, लेपर्ड गाड़ी के पास में घूर आ रहा है, मेरी टॉर्च कहाँ गई? गाइस टॉर्च उठाता हूँ, गाइस लेपर्ड है, लेपर्ड लेपर्ड गाड़ी के आसपास ही है। गाइस लेपर्ड चल रहा है गाड़ी के बाहर, गाइस देखो ये रहा लेपर्ड, देखिए गाइस ये रहा लेपर्ड। हो गाइस आपने देखा, लेपर्ड बिल्कुल इधर से सामने से इधर से गुजर के गया, यहाँ से इधर से गुजर के गया। गाइस अब मैं बाहर लाइट नहीं मारूंगा, मैंने यहाँ से गाइस जैसी लाइट मारी ना बाहर यहीं से, और यहाँ बिल्कुल गाइस यहाँ सामने, और लेपर्ड ऐसे निकल के आगे की साइड में गया। गाइस लेपर्ड, गाइस देखा लेपर्ड कैप्चर कर दिया ना आप लोगों के लिए। अब मैं गाइस शीशे बंद करता हूँ, क्योंकि लेपर्ड बिल्कुल पास है, क्योंकि मैंने अगले शीशे खोल रखे हैं। अब मैं सेफ हूँ, क्योंकि शीशे जब तक तो खुले थे मुझे डर था, क्योंकि लेपर्ड बहुत भयंकर है। गाइस कितना भयंकर लेपर्ड था बाहर, यहीं गाइस जैसी मैंने बाहर लाइट मारी ना यहाँ से, अब तो शीशा है, अब आपको बाहर का नजर नहीं आएगा, बिल्कुल इधर से आया है और ऐसे गुजर के गया, इधर से आके ना ऐसे गुजर के गया इधर की साइड में। मैं जगह दो बज गए हैं, लेकिन अपनी वो कहते हैं ना मेहनत वसूल हो चुकी है जगने की, मन खुश हो गया। आप लोगों को भी लेपर्ड दिखा दिया, इधर से इधर गुजरा है। बाकी गाइस गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी की लाइटें जलाता हूँ। अब अपना लेपर्ड कैप्चर हो चुका है, अब दोबारा कोशिश करता हूँ करने की, अगर अब नहीं भी होगा ना तो अपने को कोई नहीं, क्योंकि एक बार कैप्चर हो चुका है। इधर की साइड को गया गाइस, इधर की तरफ, ये इधर झाड़ी है, इधर से इधर की साइड को गया लेपर्ड। अपना मिशन सक्सेसफुल, जो रात को दो बजे तक जगना सक्सेस हो गया। हो सकता है लेपर्ड दोबारा आ जाए, क्योंकि ये आदमखोर लेपर्ड है, कोई नॉर्मल लेपर्ड नहीं है, कितना भयंकर लेपर्ड है, पूरा बड़ा लेपर्ड है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा है कुछ है, पूरा मेल लेपर्ड था और कितना बड़ा लेपर्ड है गाइस, बहुत भयंकर है। क्योंकि मेल था ये तो मुझे पहले पता चल गया था, क्योंकि जिस तरीके से घुर्रा रहा था ना उस तरीके से। तो गाइस अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ लेपर्ड को कैप्चर करने का, बाकी अब अपना आराम से लेटता हूँ। और आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर दीजिए, जो जो अपने भाई के प्यार करता है ना, और समोसे पे कमेंट जरूर करना, आपके लिए
एक नई डिश लेके आया हूँ जो आपको अच्छी लगे। तो समोसे लवर जल्दी से लाइक कर दीजिए समोसे को, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी शांत होके बैठता हूँ, लेपड़ अभी जागूंगा और भी, क्योंकि अब तो मन खुश हो गया कि नींद भाग गई लेपड़ को देखते देखते ही ना। लेपड़ को बिल्कुल इतने क्लोज से देखा है गाइस, गाड़ी ये काम गाड़ी में ही पॉसिबल हो सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि टेंट कैंपिंग करो और टेंट कैंपिंग में ये चीजें दिखाओ, तो टेंट कैंपिंग में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। टेंट से बाहर हम निकल नहीं सकते लेपड़ को कैप्चर करने के लिए, वो आवाजें आती रहती है, लेपड़ टेंट के चारों तरफ घूमता है लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकलते, उसमें जान जाने का रिस्क है। लेकिन गाड़ी से ये काम हो सकता है, इसलिए मैं कार लेके आया था। और मैं कोशिश करूंगा कि इस लोकेशन पे दोबारा फिर आऊं कैंपिंग करने के लिए, जिससे मैं लेपर्ड को फिर कैप्चर कर सकूं, क्योंकि यहाँ लेपर्ड जो मुझे लोगों ने जानकारी दी थी कि यहाँ लेपर्ड का 101% आप रिकॉर्ड कर पाओगे, वो काम हुआ है। फिलहाल शांति से बैठता हूं। और देखिए यहीं पे था, इतने क्लोज से लेपर्ड को देखना बहुत नसीब वालों को मिलता है, यहीं पे बिल्कुल गाइस यहाँ सामने जा रहा था। जैसे मैंने टॉर्च मारी यहाँ पे, जैसे मैंने टॉर्च यहाँ रखी बाहर, तो लेपर्ड यहीं से गुजरा है। बस तो अपना आराम से लेटता हूँ, वेट करता हूँ लेपर्ड के दोबारा आने का, क्योंकि है तो यही आसपास ही, क्योंकि मैंने लाइट मारी है, टॉर्च मारी है और गाड़ी की लाइट जल रही है ना, और मैं शोर भी मचा रहा हूँ, तो वो आसपास नीचे कहीं झाड़ियों में छुप गया होगा। गाइस हो देखिए लेपर्ड घुरा रहा है, गाइस लेपर्ड, गाइस लेपर्ड घुरा रहा है इधर की साइड से ही, गाइस लेपर्ड घुरा रहा है यही है। अब पहले इधर था और इधर से ऐसे गया, गाइस सामने ही है लेपर्ड। मैं साइलेंट होके बैठता हूँ, पक्का कैप्चर होगा, लाइट वाइट गाड़ी की बंद कर देता हूँ गाइस।